हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपने इसके पहले के सारी चीज़ें हमारे पॉलीमर चैप्टर से रिलेटेड कर ली होगी। और आपको पता ही होगा, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो, कि हम सब इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स में कवर करने वाले पॉलीथीन को। पॉलीथीन ये बनता है इथीन से, और इथीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2। पॉलीथीन की प्रॉपर्टीज देखिए तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन करता है, होमोपॉलीमर है ये, और बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। कैसे इथिलीन बनता है ये पूछा गया आपको, तो ये आप हाइड्रोकार्बन सेक्शन में पढ़ोगे कि इथिलीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर हम देखें तो, अगर ऑक्सीडेशन कर लेते हैं CH3 का, मतलब इथेन का ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, तो हमें यहाँ से दो हाइड्रोजन रिमूव होते हुए दिखेंगे, यहाँ से एक, और यहाँ पे मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो पॉलीथीन ये सिंपलेस्ट तरीके का और मोस्ट कॉमनली यूज करने वाला हाइड्रोकार्बन है, और ये थर्मोप्लास्टिक है। क्या होता है थर्मोप्लास्टिक? जिसका शेप आप चेंज कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो, उसको रिसाइकल कर सकते हो। और इस तरीके का आपको पॉलीमर का फॉर्मूला देखने को मिलता है, पॉलीइथीन का। ये पॉलीमर का फॉर्मूला, एन लग गया मतलब पॉलीमर है। IUPAC नेम जो है पॉलीइथिलीन का, वो है पॉलीथीन। पॉलीथीन दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं LDPE लो डेंसिटी पॉलीथीन, और दूसरा HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन में सिर्फ लो है, बाकी सब हाई रहेगा। टेम्परेचर भी ज्यादा लगेगा इसको, प्रेशर भी ज्यादा लगेगा इसको। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन सिर्फ नाम में हाई है, इसको सब कुछ लो लगेगा, टेम्परेचर भी लो लगेगा और साथ ही साथ प्रेशर वा भी लो लगेगा। तो आइए देखते हैं, हम कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम लो डेंसिटी पॉलीथीन को। लो डेंसिटी पॉलीथीन ये पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन से होगा अंडर प्रेशर। प्रेशर ध्यान रखिए कि बहुत हाई प्रेशर है, 1000 से लेके 2000 तक, एंड टेम्परेचर 350 से लेके 570 केल्विन तक। और यहाँ पे O2 एज अ एक्सेलरेटर रहेगा, O2 एज एक्सेलरेटर रहेगा, एक्सेलरेटर या इनिशिएटर, इनिशिएटर रहेगा। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बनाता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनाने के लिए परोक्साइड यूज होंगे, फ्री रेडिकल बनाए गए। तो CH2 ट्रेसेस ऑफ O2 जो कि फ्री रेडिकल बनाएगा। उसके बाद में 350 टू 370 केल्विन तक हमें टेम्परेचर देखने को मिलेगा, 570 केल्विन तक, 570 एंड 1000 से लेके 2000 एटीएम प्रेशर। उसके बाद हमें मिलता है लो डेंसिटी प्लास्टिक। बच्चों, लो डेंसिटी प्लास्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन करना, जो कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन के बाद वाले वीडियोस में बताया कि क्यों ये LDPE ब्रांच फॉर्म कर लेता है। LDPE ये पहले लीनियर जाता तो है, लेकिन टर्मिनेशन के टाइम पे ये ब्रांच कर लेता है ड्यू टू हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन, क्योंकि इसके अंदर होता है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्टन। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स, पहले तो फ्री रेडिकल होगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगा। द लैटर रिजल्ट इन ब्रांचिंग, द लैटर मतलब ये जो है हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन, ये रिजल्ट करेगा ब्रांचिंग के लिए। और ब्रांचिंग अगर हो गई तो ब्रांचिंग की वजह से ये लूजली हेल्ड रहेंगे, एक दूसरे की वजह से लूज रहेंगे, साथ में अच्छे से जुड़ेंगे नहीं, इसलिए इनको लो डेंसिटी प्लास्टिक बाद में कैटेगरी नाम दे दी गई। हाइड्रोजन एक्सेप्शन की वजह से इनकी ब्रांचिंग होगी, और ब्रांचिंग की वजह से इनका लूजली डेंसिटी रहेगी। देखिए, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि इन हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ LDPE, टर्मिनल कार्बन रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट एच एटम फ्रॉम इंटरनल कार्बन एटम इन फॉर्म ऑफ इंटरनल रेडिकल। देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं ये। यहाँ पे हमें दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, इथीन का प्रोपोगेशन बढ़ते जाना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। देखा कि हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन कहाँ गया, यहाँ रेडिकल के पास, और रेडिकल यहाँ आ गया, रेडिकल यहाँ आ गया, आया रेडिकल यहाँ पे आया, और ये गया यहाँ पे। टर्मिनेशन प्रोसेस के टाइम पे हो गई उसकी ब्रांचिंग, ब्रांचिंग ये टर्मिनेशन प्रोसेस के टाइम पे नहीं होता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन पहले ही हो जाता है, पहले हो जाता है, लेकिन टर्मिनेशन के टाइम पे यहाँ पे हमें ब्रांच बनती हुई दिखती है। ओके, क्लियर बच्चों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है इनके यूजेस और प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है?
लो डेंसिटी फिल्म्स ये एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन टफ भी होते हैं, केमिकली इनर्ट होंगे, ज़्यादा रिएक्शन नहीं करेंगे किसी से, और मॉइस्चर रेजिस्टेंस होते हैं, मॉइस्चर को अंदर जाने नहीं देंगे। ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, और इनका मेल्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं 110 डिग्री सेल्सियस तक। सिर्फ अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखिए तो लो डेंसिटी पॉलीथीन का लो है 110 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट अगर हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन का देखेंगे तो 144 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस तक उनका है। तो अगर सिर्फ इसी चीज को कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा हाई डेंसिटी प्लास्टिक के नाम जो है वो सूट होता है, इस पर शोभा देता है नाम। एलडीपी मेनली यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ पाइप्स फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पाइप्स के लिए, इरिगेशन के लिए, इरिगेशन पाइप्स के लिए, डोमेस्टिक वाटर लाइंस के लिए, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक केबल के इंसुलेशन के ऊपर भी एलडीपी लगा रहता है। जो ये केबल घर में हम यूज करते हैं इसके ऊपर जितनी भी कोटिंग रहती वो किसकी रहेगी? एलडीपी की। ओके, इट इज ऑल्सो यूज इन सबमरीन केबल इंसुलेशन, सबमरीन के केबल इंसुलेशन में भी यूज होता है ये, और ये एक्सट्रूडेड फिल्म्स के लिए, शीट्स के लिए, पैकेजिंग मटेरियल्स के लिए, और घर में यूज होने वाली चीजें जैसे कि स्क्वेयर बॉटल, माजा, या फिर हो सकता है वो थम्स अप, इनकी बॉटल्स को बनाने के लिए और कंटेनर्स अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी इसको एलडीपी को यूज करते हैं। एलडीपी खत्म होने के बाद हमारी पटरी पे गाड़ी आ चुकी है एचडीपी स्टेशन पे। एचडीपी ये एसेंशियल लीनियर पॉलीमर है जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा तो फिर यहाँ ब्रांचिंग रिजल्ट में नहीं आती है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस तरीके का सूटेबल टेम्परेचर और प्रेशर नहीं मिल रहा है इसको। एचडीपी में नाम में ही बताया गया हाई है, बाकी सब कुछ लो है, बाकी सब कुछ लो, टेम्परेचर लो, प्रेशर लो, एचडीपी बन जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कैटलिस्ट, जैसे कि एलडीपी में ट्रेसेस ऑफ O2 के एंटर ही हो जाता है, लेकिन एचडीपी में लगता है एक इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट जिसका नाम है जिंगलर नेटा कैटलिस्ट। और जिंगलर नेटा कैटलिस्ट कैसे दिखता है? TiCl4 प्लस ट्राई इथाइल C2H5 3 एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एलडीपी के अंदर ज्यादा स्टिफनेस है, कम स्टिफनेस है एचडीपी के कंपैरिजन में। एचडीपी के अंदर स्टिफनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू एलडीपी। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस भी ज्यादा है, और ये केमिकल्स को ज्यादा देर तक रोक भी सकता है। एचडीपी यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज के लिए, खिलौने बनाने के लिए, और घर की अलग अलग चीजें जैसे कि बकेट, डस्टबिन, बॉटल, पाइप्स, इनको बनाने के लिए भी यूज होगा। लेबोरेटरी की जो चीजें हैं वो भी बहुत ज्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और स्टिफनेस को जरूरत मांगती है, इस वजह से उसमें एचडीपी यूज होता है उनको भी बनाने के लिए। ठीक है बच्चा, बहुत आसान आसान है, थ्योरेटिकल पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ से बता दिया गया। चलिए इसका हम देख लेते हैं डिफरेंस, लो डेंसिटी प्लास्टिक का और हाई डेंसिटी प्लास्टिक के बीच का डिफरेंस क्या है। तो पहला चीज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि फैक्टर्स कौन से जिनके बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, स्ट्रक्चर और इनके यूजेस क्या है, वन बाय वन सारी चीजें देखें। तो प्रेशर लो डेंसिटी प्लास्टिक में हाई रहता है, 1000 से 2000 एटीएम तक, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पे एचडीपी में 6 से 7 एटीएम, बहुत ही कम डेंसिटी रहती है। कितना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए? 350 to 570 केल्विन, और यहाँ पे 333 से 343 केल्विन। कैटलिस्ट हमें पता ही है, अभी पढ़ा हमने, ट्रेसेस ऑफ O2 जो कि इनिशिएटर की तरह काम करता है। इनिशिएटर क्या करेगा? फ्री रेडिकल बनाएगा। जिंगलर नेटा कैटलिस्ट TiCl4 प्लस C2H5 3 Al, यह है जिंगलर नेटा कैटलिस्ट। उसके बाद इनका मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस और इनका मेल्टिंग पॉइंट 144 से 150 डिग्री सेल्सियस। स्ट्रक्चर कैसा है? एलडीपी ब्रांच, क्यू ब्रांच है एलडीपी? हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन की वजह से। और ये कैसा है? लीनियर, हाई डेंसिटी प्लास्टिक लीनियर है। यूजेस क्या है इनके? डोमेस्टिक वाटर लाइंस, घर की जो लाइंस है वो, इंसुलेशन ऑफ केबल्स के लिए, बकेट्स और डस्टबिन में हाई डेंसिटी पॉलीथीन
प्लास्टिक यूज होते हैं। क्लियर बच्चा पार्टी, बहुत अच्छे से समझ गया। इनका डिफरेंस नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अच्छे से इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। तब तक देखते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय।